नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं इंडिया टुनाइट शो। आज के शो में आपका स्वागत है। जब एक बेटी को शिक्षित किया जाता है तो कहते हैं वो एक परिवार को शिक्षित करती है, और जब वही बेटी शिक्षा से जुड़ती है, शिक्षा के समुदाय से जुड़ती है और उन्हें एक शिक्षिका की भूमिका अदा करने का मौका मिलता है तो वो फिर समाज का ही आईना बदल देती है। ऐसा ही एक उदाहरण हम आपको बताते हैं धोद के एक छोटे से गांव माजीपुरा की सरकारी स्कूल की शिक्षिका अनिता चौधरी। जैसे ही आप माजीपुरा की सरकारी स्कूल में इंटर होते हैं तो आपको बहुत से ऐसे इमारतें, बहुत से झूले, बहुत से टिन शेड ऐसे मिलेंगे जिन पे नाम लिखा होगा अनिता चौधरी द्वारा से प्रेम भेंट। आपको बता दें कि शिक्षिका अनिता चौधरी अपनी सैलरी का लगभग 70-80% हिस्सा स्कूल के कार्यों में और स्कूल के इक्विपमेंट पे, स्कूल के जो संसाधन है उन्हें बढ़ाने में करती है, ताकि वो इस सरकारी स्कूल के बच्चों को भी वो शिक्षा प्रोवाइड करा सके जो आज के मॉडर्न स्कूल के बच्चों को कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शिक्षिका की कहानी और क्या है इसके पीछे प्रेरणा जिससे वो इतनी अपनी पूरी सैलरी उसी स्कूल पे खर्च कर देती है। मैं अनिता चौधरी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माजीपुरा दोध में पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ। मेरे उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य के कारण 5 सितंबर को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मुझे राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसके उपलक्ष्य में आज ग्राम पंचायत नेत्रवास और समस्त ग्रामवासी माजीपुरा द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, जिसमें SDM दोध श्रीमान मिथिलेश कुमार जी, DO एलिमेंट्री लालचंद जी नहलिया, CPO सीताराम जी खारिया, PO नेमीचंद जी चेचू और ग्राम पंचायत के सरपंच देवेंद्र जी डाका पटवारी जी और व्याख्याता रमन सेवदा, समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। और मैंने मेरे जो मिले हुए राज्य शैक्षिक सम्मान में जो 21,000 रुपये का पुरस्कार जो मुझे मिला था वो मैंने अपने विद्यालय में दान कर दिया, और समस्त ग्रामवासियों का मैं अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।